नमस्कार छात्र छात्री अकल प्रतिदिन निचिना अहोमर प्रत्येकगराकी मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक छात्र छात्रीर बाबे आज नतुन भिडिओ लई आइछो। आज एटु भिडिओर जरिए मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक छात्र छात्रीक जानाम जे कोन तारिखे मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक रिजल्ट घोषणा हबो। द्वितीयते आलोचना करिम जे एबार मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक छात्र छात्री उत्तीर्ण हले कि प्रदान करिबो। आगते स्कूटी दिया हैछिल किन्तु एबार बुलेटो लगते दिया हबो नेकि। लगते एबार भाइरल होइ आछे जे 2022 बर्ष जिअकल छात्र छात्री मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक द्वितीय बर फाइनल परीक्षा फास्ट करिबो हे हकल छात्र छात्रीक 25,000 कोटि टका प्रदान करा हबो। असलते अहोमर छात्र छात्री हकलक 25,000 कोटि टका प्रदान करा हबो नेकि हबिहा जितु भिडिओर जते जानम। गतिके हकलै ए भिडिओटो प्रथमर पर हाहलैके अति मनोजगरे चाइ देखिबा। आरो तोमालोके जदि आमार एतु चनेलत नतुन कय आइसा तेनहले आमार चनेलटो सबस्क्राइब करिबा एने दन नित हदाय भिडिओ हम पाइ देखिबलै। आहा मि देनै करि आमार भिडिओटो आरम्भ करो। अकल तुम लोग निश्चय कमे पासा जे 2022 बर्ष जिस छात्र छात्री द्वदश श्रेणी उत्तीर्ण हम सीस छात्र छात्रीक 25,000 कोटि टका प्रदान कर निूज तो मेट्रिक और हायर सेकेंडेर छात्र छात्री बहुत शेयर कर बहुत भाइरल हो 2022 बर्ष मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक द्वितीय बर फाइनल परीक्षार छात्र छात्री 25,000 कोटि टका पा निकी। आसलते द्वदश श्रेणी उत्तीर्ण छात्र सरकार छात्री सरकार 25,000 कोटि टका प्रदान करू सरकार प्रदान कर बेलेग स्टेट राज्य सरकार प्रदान सबिहे छात्र छात्री तुम लोग जानि ला। इतना कैसे दूटा किस्तित छात्री लाभ धन 25,000 टका कैसे प्रथम किस्तित 12,000 टका लाभ कलेज नाम भर्तर छात्री हायर सेकेंडेर कलेज तरपत कैसे द्वितीय किस्तित बाकी अंश पड़ टका अवस्थाते लाभ छात्री तरपत कैसे केवल द्वदश श्रेणी उत्तीर्ण छात्रर यह आँचनी घोषणा कर मेट्रिक और उच्चतर माध्यमिक छात्र छात्री यह भिडिओ बहुत शेयर कर बहुत प्रश्न कर 2022 बर्षर हायर सेकेंडेर छात्र छात्री পাব নেকি টকাখিনি সবিশে আৰু এই বিষয়ে আজি এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ইয়াত কৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰিছে লাৰলী লক্ষ্মী 2.0 যোজনা। তাই কৈছে এই যোজনাৰ অধীনত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ধন। কৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অকল ছাত্ৰীৰ বাবে। কিন্তু মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ অসমৰ কোনো ঘোষণা কৰা নাই। অসমত স্কুটি দিয়া হয় এবাৰো হয় স্কুটি দিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ল'ৰাটো কিবা দিব পাৰে এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ চিন্তিত হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অতি সোনকালে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট পাবা। গতিকে ইমান টেনশ্যন কৰিব নালাগে। হয়তো এই 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ফলাফল লাভ কৰিবা।